करतारपुर कोरीडोर खुलन जा रहा है, जिसनों लैके संगतों के भारी उत्साह नजर आ रहा है। संगतं काफ़ी इस फैसले को लैके खुश नज़र आ रही ने। बीजेपी दफ्तर के भी जश्न मनाया जा रहा है। अश्विनी शर्मा के दफ्तर के पटाके चलाए जा रहे हैं, लड्डू वंडे जा रहे हैं और इस फैसले की खुशी जी जाहिर की जा रही है। इस मौके जदों अश्विनी शर्मा नाल गलबात की गई तो उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि यह फैसला इतिहासिक फैसला है। इस दे नाल ही उन्होंने संगतों को कहा कि सारे मिलकर गुरपुरब मौके बाबे के दर्शन करेंगे और दर्शन दीदार करके उन्हों का आशीर्वाद लेंगे। कोरीडोर खोलन का फैसला लिता गया तो उस तो बाद पंजाब भाजपा मुख्यालय के सैलीब्रेशन की जा रही है। तस्वीरें तुम वेख सकते हो, इतने बम पटाके चला के जी खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिते एक पास चंडीगढ़ के दिवाली पर भी पटाके बैन किए गए तो दशहरा भी ये जरा बिना जरा पटाके दे रावण जलाए उसके बावजूद चंडीगढ़ के अच्छे पटाके किमें फोड़े जा रहे हैं तस्वीर तुम वेख सकते हो। हालांकि सरकार वालों फैसला जरूर लिता गया कि प्रदूषण को कंट्रोल करने लिए इस बार पटाके नहीं चलेंगे, लेकिन तस्वीरें तुम देख सकते हो ये पंजाब बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है जिथे ये वर्करा वालों जोड़े पटाके फोड़ के जरा केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन दूजे पास जोड़े नियमों की धज्जियाँ किमें उड़ रही वो भी साफ देख सकते हो। तस्वीर सीधी असं तुम्हें विखा रहे हैं पंजाब बीजेपी ऑफिस जिथे अज जरा सैलीब्रेशन की जा रही तो पटाके फोड़े जा रहे हैं। हालांकि जिमें पहला दसिया कि दिवाली तक तो जरा पटाके बैन किए गए थे, लेकिन वो बावजूद अज पटाके किमें चंडीगढ़ के बजाए जा रहे हैं भी वड्डा सवाल हैगा। पूरे जड़े नियमों जो छिके टंग के इतने जो पटाके चलाए जा रहे तस्वीर तुम वेख सकते हो। ये सीधी तस्वीर असं तुम्हें विखा रहे हैं उस फैसले तो बाद जिस फैसले का इंतजार पिछले लंबे समय तो किया जा रहा है। केंद्र सरकार करतारपुर कोरीडोर खोलन का फैसला ले तो अज वो फैसले लिता गया तो उस तो बाद ये खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू खिलाए गए तो उस तो बाद पटाके फोड़ के तस्वीर तुम वेखो कि ये सैलीब्रेट कर रहे हैं इस वड्डे फैसले नू। लेकिन सवाल उही कि आम लोगों लिए जड़ा वो त्यौहार वेले भी जो पटाके अलाउड नहीं हुए तो अज किवें इन्हों जो पटाके अलाउड किए गए हैं, क्यों नहीं इन्हों के उ किसी तरीके की कोई कार्रवाई हो रही तस्वीर तुम साफ वेखो। दिवाली की रात जो लोगों वालों पटाके चलाए गए थे तो उन्होंने उत्ते जी बनती कार्रवाई की गई सी, कई लोगों हिरासत के लिता गया, अरैसट किया गया, कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। लेकिन अज तस्वीर तुम वेखो कि ये जड़े किवें ये पटाके शरेआम जड़े चला रहे हैं। ये सैक्टर 37 चंडीगढ़ हैगा जिथे पंजाब बीजेपी ऑफिस हैगा तो उत्थे ये पटाके फोड़े जा रहे हैं तस्वीर तुम साफ देख सकते हो। हालांकि एक चंगा फैसला अज केंद्र सरकार लेता गया, लेकिन उस फैसले नू लैके किस तरीके नाल जिहड़ी नियमां दी धज्जियां होंदियां ये भी तुम साफ देख सकते हो। ये तस्वीर पंजाब बीजेपी दफ्तर की हैगी है जिथे अज पटाके फोड़ के जरा जड़ा अपना सैलीब्रेशन की जा रही। लेकिन सवाल यही कि इन दे उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं, अगर आम लोगों के उत्ते दिवाली पर भी कार्रवाई हो सकती है तो इन दे उत्ते ये पटाके फोड़न पर कार्रवाई क्यों नहीं। तस्वीर तुम वेखो पंजाब बीजेपी मुख्यालय तो अश्विनी शर्मा जोड़े कि पंजाब भाजपा प्रधान वो भी इतने मौजूद है, उन्हों की सामने ठीक सामने जी पटाके फोड़े जा रहे थे जी जिस देते काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तस्वीर तुम वेख सकते हो कि ये जी तस्वीर जी है ये पंजाब बीजेपी ही ऑफिस की हैगी जिथे जड़ा जोरदार पटाके चलाए जा रहे हैं तो एक वड्डा फैसला अज केंद्र सरकार वालों लिता गया कि जिथे अज जड़ा ये पटाके फोड़ के खुशियां जी इजहार किया जा रहा है। तस्वीर तुम वेखो बीजेपी ऑफिस की है। अश्विनी शर्मा नाल भी असी गलबात करते हैं कि अज जड़ा एक वड्डा फैसला केंद्र सरकार वालों लिता गया है तो उन्होंने की कहना तो ये जी तस्वीर सैक्टर 37 बीजेपी ऑफिस की जी असी लगातार तुम्हें विखा रहे जिथे पहले लड्डू वंडे गए तो हूँ पटाके चला के जड़ा अज दे केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा। हालांकि अश्विनी शर्मा वालों ये कहा गया कि इस मुद्दे के उत्ते किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि दूजिया पार्टियां भी इस दे उत्ते श्रेय लैन की जी कोशिश दे विच लगी हुई है। लेकिन बीजेपी वालों ये कहा गया है कि इस दे उत्ते किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए
तो ये तस्वीर जी है ये चंडीगढ़ के सैक्टर 37 बीजेपी ऑफिस की हैगी जिथे अज वड्डा फैसला अज केंद्र सरकार वल लिता गया जिथे तस्वीर तुस ही वेख सकते हो कि अश्विनी शर्मा जड़े कि एक जड़ा अज का फैसला हुआ उस लैके हालांकि जो पहला गलबात की तो साफ किया है कि एक वड्डा फैसला हैगा तो कोरीडोर खोलन का फैसला लिता गया तो अश्विनी शर्मा बहुत खुशी की गल मैं प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति जी का गृहमंत्री जी का धन्यवाद कोशिशा बड़िया की पिछले तीन दिन तो पंजाब का प्रतिनिधिमंडल उ फर्ज है असि पंजाब की मिट्टी च पैदा हुए हैं पंजाबी हाँ साडी गुरुआ के प्रति आस्था है और श्रद्धा है 19 तरीक न बर्थडे से गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब आ रहा प्रकाश उत्सव है ओदे उस तो पहला ये लांगा खुल जाए इस तो बड़ी गल और की है ते पटाके भी चलाए गए ने बड़ी खुशी है की जाहिर ये सारे पंजाबियों च है बिल्कुल तुसी देख सकते हो सारे पंजाबियों दे विच खुशी है इसलिए ये पटाके फोड़े गए ने हालांकि जड़े नियमों की उलंघना भी इत्थे खास तौर पर देखी गई है कि किवें एक पास दिवाली ते भी चंडीगढ़ के पटाके नहीं जाने की जी परमिशन तो दूजे पास से जड़ा केंद्र दे जड़े फैसला लिता गया उस तो बाद किवें इन्हां जड़ा फैसले दी जड़े नियमों की जी है धज्जियां खास तौर पर उड़ाई गई चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे देना अंकुश महाजन दैनिक सवेरा टीवी।